हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मेलाज़मा, यानी चेहरे पे मुरझाई हो जाना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चेहरे की झाई यानी मेलाज़मा चेहरे पे भूरे रंग का होता है, जैसे दाग धब्बे जैसा। आमतौर पर इसे प्रभावित क्षेत्र गाल, माथा या ठुड्डी और नाक होता है, और ये धूप में ज़्यादा फैलता है। इसके मुख्य वजह धूप है, साथ में गर्भावस्था के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन या गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करने से भी ये बीमारी होता है। मेलाज़मा काला धब्बा गोरा को कम होता है और काले लोगों को ज़्यादा ये हो जाता है और ज़्यादा शो करता है। मेलेनोसाइट सेल्स के बढ़ने से होता है। कभी तो समय के अनुसार बढ़ता है, गर्भ औरत के बाहर जाने से भी होता है। जो औरत प्रेग्नेंट है अगर वो धूप में निकल रही है तो भी उनको भी होने का चांस रहता है, और माता पिता अगर उनको भी ये बीमारी है तो आपको भी होने का चांस ज़्यादा रहेगा। जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, और थायराइड वाले को भी ये होता है। मेलाज़मा होने का प्रेजेंट प्रेग्नेंट औरत को डिलीवरी के बाद कुछ समय बाद खुद कम हो जाता है। ये माता पिता के होने से भी होता है, जेनेटिक होता है, थायराइड से भी होता है। मेलाज़मा होने का प्रेग्नेंट औरत का ज़्यादा चांस रहता है, और ये डिलीवरी के बाद कुछ समय बाद खुद ही कम हो जाता है। इसमें हम परहेज कर सकते हैं, धूप से बचें, क्रीम लगाएं, चेहरे पे कपड़ा डालकर धूप में निकलें। तो आइए अब इसके मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। इसकी पहली मेडिसिन है थोजा ऑक्सीडेंट। आप इसे 2 ड्रॉप ओनली नाइट में ले सकते हैं। और इसकी दूसरी मेडिसिन है चाइना। आप इसे 3 टाइम पर डे लें। और तीसरी मेडिसिन है कोलोफाइलम 30। ये 3 टाइम पर डे लें, गर्भ के दौरान ये ज़्यादा फायदा करता है। और इसमें क्रीम टोपी बर्बेडिस क्रीम आप यूज कर सकते हैं। इसकी एक मेडिसिन और है जो कोपाइवा ऑफिसली माइल्स 30। आप ये 2 से 3 बार पर डे यूज करें। ये सारे मेडिसिन इस बीमारी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप यूज करके देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।